क्लास 8th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2C क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है 1 से 8 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जाकर देख लो। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 7/12 टू द पावर -4 इनटू 7/12 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 7/12 टू द पावर 5। तो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस सेम है। ओके, 7/12 जो है वो बेस है, जो कि सेम है। तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर को क्या करो, ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो फिर -4 और दूसरे वाले का पावर है 3x, तो +3x कर दो, इज इक्वल टू 7/12 टू द पावर 5। ओके, तो देखो यहाँ पे अब दोनों तरफ 7/12 आ गया, तो जब दोनों तरफ 7/12 आ गया, तो फिर अब हम क्या करेंगे, बेस दोनों तरफ सेम आ गया, तो अब हम पावर को इक्वेट कर देंगे, मानी पावर को अब हम इक्वल कर देंगे। तो -4 +3x इज इक्वल टू 5। अब ये सिंपल है, इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 5+4। तो फिर देखो, 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो 9/3। तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 3, x का वैल्यू जो फाइंड करना था। ओके, तो ये था 9th पार्ट। तो अब जाकर ऑप्शन में चेक करो कि आंसर नंबर 3 जो आया है वो ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इफ़ 2^-1+10/7 इज इक्वल टू 6, देन वाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मानी एक्स किसके बराबर होगा। तो देखो, 10 नंबर को कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले देखो गिवन क्या है, 2^-3x-1+10 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6। तो अब देखो पहले सॉल्व कैसे करना, यहाँ पे 2^-3x-1+10। तो अब देखो यहाँ पे डिवीज़न का साइन है, तो जब इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या, मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होके हम 7 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। डिवीज़न साइन है, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन साइन में ब्रेक करके, 7 था तो 7 का रेसिप्रोकल 1/7 ले लिए, इज इक्वल टू 6 गिवन है। तो जब अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2^-3x-1+10 (1), तो इसकी वैल्यू तो यही होगी, अपॉन 7 है और उधर 6 है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, मीन्स ऐसे और ऐसे, जानते हो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, 6 × 7, तो ये हो जाएगा आपका 42। ओके, तो फिर अब देखो 2^-3x-1 इज इक्वल टू 42। 10 इधर से अगर आप उधर ले जाओगे दूसरे साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा -10। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2^-3x-1 जैसे है वैसे ही रहने दो, 42 - 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 32। ओके, तो हमको कह रहा है कि वो एक्स का वैल्यू बताना है, एक्स का वैल्यू बताना है। तो 2^-3x-1 इज इक्वल टू, देखो 32 है, तुम लोगों को क्लिक नहीं करेगा तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन लेके देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, मानी कि 2^5 अगर तुम करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 32। तो आप क्या करो, 2^5 कर दो। फिर देखो दोनों तरफ बेस सेम आ गया, तो अब हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो 3x-1 2^3x-1 इज इक्वल टू 2^5, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल कर देंगे। तो 3x-1 इज इक्वल टू 5, तो फिर हमारा 3x इज इक्वल टू 5+1। इसको आप यहाँ पे स्टेप को ब्रेक कर सकते हो, 3x इज इक्वल टू, देखो 5+1 = 6, तो फिर आपका हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 6/3, तो 3 2 = 6।
तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो टू होगा, टू ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ओके तो नोट कीजिए। ओके तो ये रहा, स्टेप वाइज करना है जैसे बताएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 2/3 to the power 0 इज इक्वल टू क्या होगा। ओके इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा कि 8 to the power 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 5 to the power 0 भी आप करोगे तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, 9 to the power 0 भी कर लो 1 ही आएगा। अगर आप 8/2 के power 0 ले लो उसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। ओके कुछ का भी पावर हो वो 1 ही आएगा, सॉरी कुछ का भी पावर अगर 0 हो। ओके जैसे 8/0 इज इक्वल टू 1, 2/3 to the power 0 इज इक्वल टू 1, यही चीज़ समझना है। तो ए जो होगा वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, समझ गए। जैसे मान लो कि 5 to the power 0 इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो आप लोग कमेंट में बताओ, कमेंट में आप लोग इसका आंसर दो कि 8/3 to the power 0 इसका वैल्यू क्या होगा। ओके ये आपको आंसर कमेंट में बताना है, वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप करो ताकि समझ में आया या नहीं ये पता चले। ओके अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे यहाँ पे कह रहा है कि -5/3 to the power -1। अब देखो हम एक बात बता चुके हैं कि पावर अगर हमारा नेगेटिव में जाए तो क्या कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या हो जाएगा 3/-5 to the power 1, तो पावर पॉजिटिव बन गया। अब इसके आगे सॉल्व करो, देखो 3 का power 1 मानी 3/-5 के power 1 मानी -5। ओके तो देखो डिनोमिनेटर में जब भी नेगेटिव आए तो फिर हम एक बात बताएं कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करते हैं, तो -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख लो यहाँ पे कैसे करते हैं, तो देखो +(-) क्या होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -3/-(-+), तो ये होगा आपका -3/5, ये जो होगा ये आपका आंसर होगा। ओके जब भी डिनोमिनेटर में आपके नेगेटिव वैल्यू आ रहा हो तो आप यही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर ये हो गया आपका -3/5 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि -1/2 to the power 3, ठीक है इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो -1/2 to the power 3 इसका मतलब क्या होगा कि -1 का भी power 3 upon 2 का भी power 3 मानी 2³। ओके तो अब देखो, अब हम बताएं कि नेगेटिव वैल्यू का अगर नेगेटिव बेस का पावर इवन नंबर हो तो फिर क्या होगा, हमारा आंसर पॉजिटिव में, सॉरी क्या कहें कि नेगेटिव बेस का अगर पावर ऑड नंबर है तो फिर हमारा आंसर नेगेटिव में जाएगा, और अगर नेगेटिव बेस का पावर इवन नंबर है तो फिर हमारा आंसर पॉजिटिव में जाएगा। नहीं समझे बात, अगर मान लो कि -1/20 हो तो इतना बार मल्टीप्लाई करने में तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर क्या करेंगे 28 पावर, देखो पावर हमारा क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से जब डिवाइड होगा तो मानी इवन होगा, तो जब इवन होगा तो फिर इसका आंसर क्या बताया हम पॉजिटिव आएगा, यही आपको नोट करना है। ओके जब भी नेगेटिव का पावर अगर इवन है तो फिर आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर मान लिया कि -1/27 है, ठीक है तो ये देखो ये पावर किस में है, पावर जो है हमारा ऑड है, क्यों ऑड है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑड के केस में हम क्या बताएं आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे देखो -1/28 था तो इसका आंसर आपका पॉजिटिव में 1 आएगा, और इसका आंसर आपका नेगेटिव में 1 आएगा, यही आपको समझाना था यहाँ पे। ओके तो देखो यहाँ पे क्या होगा -1/3, पावर क्या है, पावर ऑड है, मानी नेगेटिव में आंसर जाएगा। ओके
तो माइनस वन अपॉन टू इंटू टू इंटू टू, मानी टू इंटू टू इंटू टू करोगे तो क्या होगा, तो माइनस वन बाई एट जो होगा ये आपका आंसर होगा। ओके, माइनस वन बाई एट जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि माइनस थ्री बाई फोर का स्क्वायर। ओके, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका मतलब हुआ कि माइनस थ्री टू दी पावर टू अपॉन फोर टू दी पावर टू। ओके, तो देखो पहले तो आप ये कर लो कि थ्री थ्री जा क्या होता है, थ्री दो बार मानो, थ्री थ्री जा नाइन। ओके, देखो पावर क्या में है, तो पावर हमारा टू है, मानी कि टू से डिविजिबल है, मानी कि इवन नंबर है, पावर इवन है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो ये नाइन ही होगा। ओके, यहाँ पे तो आप डायरेक्टली करके भी देख सकते थे कि माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, तो माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री थ्री जा नाइन, तो आपका नाइन आंसर आता। लेकिन मान लिया कि अगर वही बड़ा वैल्यू रहता तो फिर हम कैसे करते, तो बड़ा वैल्यू में जस्टिफाई करने के लिए हम डायरेक्टली पावर देखो, अगर इवन है, पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव, पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव। ओके, अपॉन फोर फोर जा सिक्सटीन, तो नाइन बाई सिक्सटीन आपका आंसर हो गया ये 14th का, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। देखो इसको क्या करना है, तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करो, तो पहले देखो सिंपल धीरे धीरे ब्रेक करो तब आपको समझ में आएगा। तो इसको क्या करोगे, तो 367 इंटू वन पे एक दो तीन चार जीरो है, तो वन पे एक दो तीन चार जीरो लगा दो। ओके, तो फिर अब आपका ये हो जाएगा, तो फिर अब क्या करो, तो 3.67 लिखो। ओके, 3.67 फिर इंटू 100 करो, जितना डिजिट के बाद डेसिमल लिए हो, क्योंकि 3.67 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तुम्हारा वैल्यू 367 आएगा। तो फिर ये क्या होगा, इनटू ये जो है वन जीरो, देखो एक पे चार जीरो है। ओके, तो मानी 10 to the power 4, अब इसको भी एक्सपोनेंशियली ले जाओ, 3.67 इनटू वन पे 10, मानी कि दो जीरो, 100 है ना, मानी 10 into 10 इंटू 10 to the power 4। अब देखो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3.67 इंटू 10 to the power 2 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 10 to the power 6, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। तो अब जाकर ऑप्शन मैच करो कौन ऑप्शन में है, तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन नंबर 3.67 इंटू 10 to the power 6, तो ये जो ये ऑप्शन नंबर सी में है। देखो अब अगर आपको ये मेथड सीख गया, तो देखो अगर आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, एक दो तीन चार जीरो है। ओके, तो आप पहले क्या करो, तो ये 3.6, ओके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 3.6, अब देखो 3.6 इंटू सॉरी 3.6 के बाद क्या है, 3.67 जितना है लिख रहे हो, तो 3.67 जीरो जो है उसको आप नेगलेक्ट कर दो जब तक। ओके, अब क्या करना है आपको, 3.67 इतना लिख लिए, तो अब देखो अब आपको दिमाग में यहाँ से आना चाहिए पॉइंट, पॉइंट के बाद जहाँ से हम पॉइंट लगाएं इसमें और इसमें आप कंपेयर करके देखो, जैसे पॉइंट यहाँ से लगाएं, थ्री के बाद लगाए पॉइंट, अब ई इतना जो है ना, तो इनटू 10 to the power, ओके 10 to the power काउंट कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः, मानी 10 to the power 6, तो ये जो होगा ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ रहे हो, जैसे 367 पे चार जीरो था, तो ऐसे किए। अब मान लो कि यही हमारा है 2, 5, 1, 2, 3, 0, तो अब इसको कैसे ले जाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें आपको करना है, तो देखो 2.5 इंटू 10 to the power, 10 to the power कितना, तो फिर देखो कंपेयर करो डेसिमल जहाँ जो जगह पे हम यहाँ पे लगा रहे हैं डेसिमल। ओके, देखो ये हमारा रहा डेसिमल, 2.5 इंटू 10 to the power, तो देखो पॉइंट के बाद देखो गिन लो कितना डिजिट है, तो एक दो तीन चार, तो 10 to the power 4, ये तुम्हारा आंसर होगा। ओके, तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना तुम काउंट कर लो और उसका पावर लगा दो, तो ये था तुम्हारा 15th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16, उसमें दिया हुआ है
जीरो 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 जीरो, कितना जीरो है तो 4 जीरो है। उसके बाद दिया हुआ है 4 6 3, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, ये 0.1234 0 फिर 4 6 3। ओके, तो देखो इसको आपको क्या में ले जाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देखो सिंपली स्टेप में लिखो, जैसे 0.00004 6 3। ओके, तो अब देखो डेसिमल उड़ा दो, ठीक, डेसिमल को उड़ा दो। तो जब आप डेसिमल उड़ाओगे तो देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, मानी 10^7, मानी 10^7। ओके, अब आगे देखो, जब तो अब ये क्या बचा, 0000463, मानी ये क्या हुआ, 463 ना हुआ, 028, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, तो 28 ही पढ़ोगे। तो अब देखो अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे जो है अब हमको देखो 463 बचा, तो 4.1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, लिखो 4.63। ओके, इतना रहने दो, अपॉन में जितना है वो भी लिख दो, 10^7। 4.63 जब तुम लिख रहे हो तो 4.63 का तुम क्या से मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो तुम्हारा 463 है। तो देखो डेसिमल के कितना डिजिट बाद है, 2 डिजिट, मानी 10 का स्क्वायर, समझे। 4.63 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू 463 ही आएगा। अब आप सिंपली एक्सपोनेंट पढ़े हो तो एक्सपोनेंट का कंसेप्ट लगाओ यहाँ पर, यहाँ पर एक्सपोनेंट का कंसेप्ट लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 4.63 इंटू देखो 10^7। अब यहाँ पे देखो डिवीज़न हो रहा है, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, डिवीज़न हो रहा है, बेस जो है 10 है यहाँ पे, बेस सेम है, डिवीज़न हो रहा है, 10^2 डिवाइडेड बाई 10^7। तो क्या पता है, बेस सेम हो, डिवीज़न हो रहा हो, तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 7। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.63 इंटू 10^2, 2 - 7 क्या होगा, -5। तो 4.63 इंटू 10^ माइनस फाइव, ये रहा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर, नोट कर लो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 17th क्वेश्चन। 17th में क्वेश्चन कह रहा है कि 0.000367 इंटू 10^4, इसको यूजुअल फॉर्म में ले जाना है। ओके, तो यूजुअल फॉर्म में ले जाना है, तो आप इसको अब सिंपली सॉल्व करो, तो क्या होगा, तो जब आप डेसिमल हटाओगे, देखो स्टेप ले लो, एक 0.000367 अपॉन, देखो डेसिमल हटाओ, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, मानी 10^6 हो जाएगा, इंटू 10^4 है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 367 अपॉन, या 367 इंटू 10^4 कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 10^4 अपॉन 10^6। तो देखो बेस सेम है, बेस सेम है, और यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है, तो हम क्या बताएं कि बेस सेम है और डिवीज़न हो रहा हो, तो क्या करो, पावर को घटा दो। ओके, तो देखो तुम्हारा क्या है, 367, तो 367 इंटू 10^4 माइनस सिक्स। ओके, तो 4 में से 6, 4 - 6 करोगे तो क्या होगा, 367 इंटू 10^-2, इतना समझ रहे हो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो 367 इंटू 10^-2, पावर नेगेटिव में, पावर नेगेटिव में तो क्या करो, रेसिप्रोकल ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10^2। ओके, 1 का स्क्वायर 1 × 1 करोगे तो 1 ही आएगा, 10 का स्क्वायर, तो मानी 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे लिख ही लो डायरेक्टली कि 100 होगा। तो अब तुम्हारे पास आ जाएगा 367/100। ओके, तो देखो अब क्या करो तुम, 367 लिखो, अब 2 डिजिट पे शिफ्ट कर दो डेसिमल, हो गया, ये रहा तुम्हारा आंसर 3.67, मानी ऑप्शन ए जो है तुम्हारा वो करेक्ट आंसर है, 3.67। अगर मान लो ये क्वेश्चन है, तो देखो 3.67 इंटू 100, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली कैसे बता सकते हो, तो डायरेक्टली लिखो 300, 2 जीरो है, मानी कि 100 का मतलब क्या, 3.67 इंटू 10 का स्क्वायर, 10^2,
10^2। तो आप क्या करो, इधर की तरफ डेसिमल शिफ्ट कर दो, ओके। तो जब ये दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 367 पॉइंट कुछ। तो मानी तुम्हारा आंसर जो होगा वो 367 होगा, क्योंकि उसके आगे जीरो होगा तो वो जीरो तो नेगलेक्ट हो जाएगा, ओके। इसी तरह तुम डिवीज़न वाला एग्जांपल समझो, जैसे तुम्हारे पास रहेगा 3.67 इंटू, इसको ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि 10^-2। तो देखो डिवीज़न के केस में तुम इधर के साइड डेसिमल पुट करो जितना डिजिट है, ओके। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा इधर दो डिजिट उधर ले जाओगे तो क्या होगा, जैसे 367। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है तुम्हारा, यहाँ पे सिक्स के बाद यहाँ पे पॉइंट है, एक डिजिट ये हुआ, दो डिजिट तो दूसरा डिजिट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जीरो लगेगा, पॉइंट जीरो, ओके समझ रहे हो। तब ना हुआ यहाँ पे दो डिजिट इधर शिफ्ट किया, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। तो देखो इसी तरह से तुम एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि 216 × 100, ओके 2.16 × 100। तो हम क्या बताएं कि मल्टीप्लिकेशन है, तो तुम्हारा डेसिमल जो होगा इस तरह से सेटल्ड होगा, ऐसे देख रहे हो, एरो समझ रहे हो, एरो यहाँ पे तुमको समझना ज़रूरी है, इस तरफ से सेटल करो, ओके। जैसे 2.16 × 100, तो एरो इस तरफ सेटल करो डायरेक्टली, कितना जीरो है तो दो जीरो है, ओके यहाँ पे देख रहे हो दो जीरो है, तो मानी दो डिजिट पे तुम्हारा एरो एक्सटेंड करेगा, मानी बढ़ा दो इधर की तरफ, तो 2.16, तो दो डिजिट जब तुम बढ़ाओगे तो एक डिजिट हो गया ये, एक डिजिट ये, तो मानी तुम्हारा आंसर जो होगा वो 216 होगा, ओके। अब मान लिया कि यही क्वेश्चन हमको डिवाइड में दे रहा है कि 2.16/100 मान लो, तो हम क्या बताएं कि डिवीज़न के केस में तुम डायरेक्टली इधर की तरफ शिफ्ट करो, ओके। क्या कहें, इधर की तरफ तुम शिफ्ट कर दो जितना जीरो है, ओके, डेसिमल के इस तरफ उतना डिजिट तक शिफ्ट करो। तो देखो 2.16 है, तो देखो ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 देखो 216 गिवन है, तो दो जीरो है, मानी कि दो डिजिट हमको एक्सटेंड करना है, तो एक डिजिट यहाँ पे हो गया, एक और डिजिट का हमको ज़रूरत हो तो जीरो लगा दो, ओके, एक डिजिट का जरूरत हो तो यहाँ पे 0.0, ये तुम्हारा आंसर होगा 0.0216, ओके। तो ये था तुम्हारा डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन में किस तरफ डिजिट शिफ्ट करो और डिवीज़न में किस तरफ डेसिमल प्लेस शिफ्ट करो, ओके। देखो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन स्क्रीन पे, आपको इसका आंसर जो है कहाँ पे बताना है, तो कमेंट सेक्शन में, ओके, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर बताइए, और अगर नहीं होगा तो फिर हम इस पे एक वीडियो बना देंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें।